आईपीएस हम बोला सुनिए एमपी ये खुलिए ये खुलिए ठीक है खुलिए गेट खुलिए पहले ठीक है ब्लॉक खुलिए क्या हुआ गेट खुलिए हां सारा है क्या हो गया हो गया मंत्री जी तो आए नहीं है सुबह से पार्लियामेंट गए थे उसके बाद से कोई सूचना हम लोग नहीं और अभी मैं पूछता हूँ आप लोग आए हुए तक मैसेज करता हूँ मेल जो है शायद एक मेल आया था तो मंत्री जी के समय जब वो 7-8 बजे तक थे तो उसमें मंत्री जी ने कहा कि हम तो है नहीं हमको जाना है कंस्टिट्यूएंसी तो पार्लियामेंट गए नहीं तो कंस्टिट्यूएंसी आज उनको जाना है पार्लियामेंट सुबह में आया तो स्टार क्वेश्चन था हम लोगों का तो वो उधर के बाद से फिर इधर नहीं आए तो सेकेंड हाफ में उनको निकलना था हम लोग कोई सूचना नहीं मैं यहाँ बैठा तो आप जब बात कर लीजिए 25 MP आए आपसे मिलने जा रहे एक बार पूछ लीजिए हम इंतजार कर रहे हैं उनके घर के सामने एक बार पूछ लीजिए प्लीज दोस्तों आप लोगों को क्लियर करना चाहिए कन्वे ऑल दिस टू दी ऑनरेबल मिनिस्टर जॉब कार्ड होल्डर का सैलरी का बात है नो सैलरी तो बाकी काफी वी वांट एन एश्योरेंस आप ऐसा नहीं है कि आपको बोले और आप कहें कि वी कन्वे दिस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड गेट बैक टू यू सो वी हैव कन्वेड दिस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर 9 months बैक एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर पेशेंटली फॉर द लास्ट 9 months 10 months कोई किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर रहे आप पैसा तो लोगों से ही लेते हो और फिर लोगों का पैसा जानबूझ के रोक के रखते हो सो अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट एबल टू रीच टू अ कंक्लूजन और सोल्यूशन टूडे इटसेल्फ वी हैव टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज देन मतलब हम लोग चाहते नहीं है कि भाई कोई हम लोग धरने पे बैठ जाए या प्रदर्शन करे हम लोग तो यही कह रहे हैं चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हमारे एमपी के डेलीगेशन हो हमारे स्टेट के पंचायत मिनिस्टर भी उनसे काफी बार बात करके गए कि अब बंगाल के 17 लाख परिवार के जो ड्यू है वो क्लियर कर दो बट ऐसा नहीं आपने 10 स्टेट का पैसा रोक के रखा है पूरा देश में बंगाल इज द ओनली स्टेट 2023-24 में बंगाल का ये रुपया नहीं मिला और ये भी डिसीशन है ना और ये कोई 2-4 पैसा नहीं है 7,000 करोड़ रुपए है रास्ते का पैसा रोका गया है वो भी आपका रूरल डेवलपमेंट में आता है आपका आवास का पैसा रोका गया है तो सब मिला के तो टैली चला जाएगा कम से कम 15-20,000 करोड़ क्या इन्फॉर्मेशन क्या है वेज तो आप रुक भी नहीं सकते क्या इन्फॉर्मेशन है कानूनी है सुप्रीम कोर्ट का वार्डिक भी है वेज तो आप क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आया माननीय मंत्री जी बिहार चले बिहार पूर्णिया बिहार चले गए चले आपने पता किया जी सर मैंने कंटिन्यू घर के रेजिडेंस पे बात कर लिया अच्छा कहीं मिस गाइड नहीं कर रहे देखो आजकल के दिन में कुछ छुपता नहीं है अगर हम लोगों को पता चला कि वो यहाँ है और आप झूठ बोल रहे हो फिर आप खड़ा होगा मेरी झूठ और सच बोलने का सवाल मैं वही कह रहा हूँ कि आप मिसगाइड मत करो अगर चले गए तो कोई बात नहीं आपके पास भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है नहीं सर मिसगाइड करने वाला क्योंकि 9 महीना 10 महीना 1 साल हो गया आज हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कुछ किया नहीं जा रहे तो उसको दूसरे तरीके से फिर डील करना पड़ेगा कोई एहसान नहीं कर रहे भाई आप प्रदेशों के पैसा लेके केंद्र चल रहा है ना आप महाराष्ट्र से पैसा उठा रहे हो गुजरात से पैसा उठा रहे हो बंगाल से पैसा उठा रहे हो यूपी से पैसा उठा रहे हो आप झारखंड से पैसा उठा रहे हो फिर आपको तनख्वाह मिल रही है मुझको तनख्वाह मिल रही है और सिर्फ बंगाल का पैसा रोक हम लोग मंत्री जी से मिलने आए मंत्री जी ने अपॉइंटमेंट दिया नहीं हमने बोला कोई बात नहीं आप एमओएस से मिलवा दो दिया नहीं हम लोग यहाँ पे राह चलते हुए ऐसे ही नहीं आए 25 MPI आपको समझना पड़ेगा आप भी ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी अगर आप फॉलो करो 25 MPI अगर एक जगह पे आना है तो सेक्रेटरी को चल के आना पड़ेगा बोल रहे हैं और अपने मुद्दों के लिए आए हैं मुद्दे के लिए आए मैं भी बैठा मैं आपके साथ सहमत हूँ कि खड़ा होकर बात नहीं हो सकते बैठ के ही बात होगी आप उनको एक बार बुला लो हम एक बार मिल लें फिर जरूरत पड़ेगा वो जहाँ बोलेंगे हम लोग बैठ के बात कर लेंगे वेरी इजी स्टेप की बात है आपके पास एविडेंस है आप मिनिस्ट्री को लगाओ सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए पैसा छोड़ो मिनिस्ट्री शुड फाइल गो टू द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल इट इफ नीडेड और आप बोलो कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए लेकिन पैसा आप छोड़ो मान लीजिए 100 आदमी इन्वॉल्व है करप्शन में 2000 आदमी इन्वॉल्व है 200 आदमी इन्वॉल्व है 500 आदमी उठाए घर कॉलर पकड़ के उसको जेल में डालो लेकिन 17 लाख परिवार का पैसा आपको छोड़ना पड़ेगा अब बड़ा प्यार से हम लोग 1-1.5 साल से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बार बात कर चुके हैं उनकी तरफ से ऑफिशियल लेटर गया है ये चीज हर लेवल पे बात हो चुका है और हम लोग को अश्योरेंस दिया गया था आज नहीं तो कल कर देंगे सर बैठ के बात एमओएस भी नहीं है नहीं एमओएस भी ऑफिस में नहीं है तो आप बात करेंगे
आप बता दीजिए सर, पर आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा सर। नहीं, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये सोचो कि बैठे सर, बैठ के चाय चाय पीते हैं सर। नहीं, चाय पीने के लिए नहीं, आप बात करेंगे, चाय करेंगे, चाय पीने आदमी बैठे, हमारा मांगे पूरा।